हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों के साथ आज एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ जो 865 मॉडल है इसका। तो इसमें बैटरी कनेक्शन देने के बाद प्रॉब्लम एक रिले का आवाज़ होता है, आप लोगों को सुनाता हूँ रिले का आवाज़। ये आप लोग सुन सकते हो, इसमें से एक आवाज़ आ रहा है रिले का। ये देखिए मेंस ऑन होने दिखाई देता है बैटरी में कभी कभार, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है चलिए दिखाता हूँ आप लोगों को। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने सुना इसमें आवाज़ रिले का आ रहा है, तो चलिए इसको मैं खोलता हूँ। खोलने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, तो इसको मैंने खोल दिया हूँ अभी, मैं आप लोगों को दिखाऊँगा इसमें प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर एक दिखा, तो ऊपर में देखिए छिपकली भी बैठा हुआ है, अभी तक जिंदा होगा शायद। इसको पहले हटा लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये से देखिए छिपकली जिंदा हुआ है, मतलब इसको थोड़ा सा शॉट लगा हुआ शायद। ये ट्रांसफार्मर के अंदर घुस गया, तो अभी इसमें मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। यहाँ पर जो सर्किट है इसमें थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ पहले। हेलो फ्रेंड्स, तो इसको मैंने ट्रांसफार्मर के दो नट निकल लिया, अभी इसका पीछे भी मैं देख लेता हूँ कुछ। तो मैंने इसको साफ कर लिया हूँ थोड़ा ऊपर से ब्रश से साफ करके। अभी मैं इसका नीचे की तरफ दिखाता हूँ आप लोगों को, अगर कुछ छिपकली अगर शॉर्ट होगा तो भी ये प्रॉब्लम आएगा, तो मैं देख लेता हूँ। हाँ, ये दोस्तों देखिए, क्योंकि इसमें छिपकली का जो बकली है वो उतर गया है, इसमें शॉर्ट लगा था छिपकली, तो इसी के कारण से वो प्रॉब्लम इसमें आने लगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसको वापस थोड़ा सा नीचे की तरफ भी वॉश कर देता हूँ थिनर से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में लगा के देखेंगे, पहले इसको वॉश कर लेता हूँ एक बार। हेलो फ्रेंड्स, तो इसको थिनर से अच्छे से वॉश कर लीजिए ब्रश से। तो मैं इसको अच्छे से वॉश कर लेता हूँ, क्योंकि अगर छिपकली का कोई लगा हुआ होगा यहाँ पर तो वापस कोई प्रॉब्लम दिखाएगा। पहले इसको वॉश करके देख लेते हैं हम लोग। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचने के लिए। तो इसको मैंने वॉश कर दिया, अभी इसको वापस लगा के देखता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सुन सकते हो इसका आवाज़ अभी भी आ रहा है, क्योंकि इसमें वॉश करने के बाद भी आवाज़ नहीं गया। तो हम लोग पहले ये जो ट्रांजिस्टर है ऑटो कट का, इसको पहले चेंज करूँगा। ये ऑटो कट का ट्रांजिस्टर, ठीक है दोस्तों। तो इस ट्रांजिस्टर को चेंज कर लूँगा, चेंज करने के बाद हम लोग देखूँगा ये सब जिनर होता है यहाँ पर। ये देखिए, ये जिनर को आप लोगों को भी चेक कर लेना है, ठीक है दोस्तों। ये जिनर को भी आप लोगों को साथ में चेक कर लेना है सही है कि नहीं, और साथ में ये चार्जिंग का जिनर भी चेक कर लीजिए। और आपको फिलहाल पहले इस ट्रांजिस्टर को मैं चेंज करके देखता हूँ, और इसका सप्लाई भी आप देख लीजिए इसमें सप्लाई आ रहा है कि नहीं, 4 पॉइंट और आपका 3 पॉइंट कितना, 3.25 ऐसा कुछ दिखाएगा, और 4 पॉइंट कितना बोल दिखाएगा, वो ये 4.5 जैसा बोल दिखाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 3 पॉइंट कितना बोल दिखाएगा, ठीक है। और सब सप्लाई भी आप लोग चेक कर लीजिए पहले। हेलो फ्रेंड्स, तो इसको मैंने ये का ट्रांजिस्टर खोल दिया, TCNL 100 था, उसको मैं दूसरा लगाऊंगा। तो मैं दूसरा कहाँ से लगाऊंगा मैं आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए और एक ट्रांजिस्टर होता है पंखे के लिए, वो पंखा का ट्रांजिस्टर खोल के आप यहाँ पर लगा दीजिए सेम टू सेम। अगर वो ट्रांजिस्टर मैं इसको चेक नहीं करूँगा, सिर्फ डायरेक्ट यहाँ से खोल के इसको यह लगा दूँगा, अगर वो ट्रांजिस्टर ख़राब था तो यह सेट बन जाएगा, अगर ट्रांजिस्टर सही था तो यह सेट नहीं बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो यह का ट्रांजिस्टर 100 रहता है, वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये दो ट्रांजिस्टर निकल लिया उसका ही। तो ये था पंखा का ट्रांजिस्टर जो आपको दिखा दे रहा हूँ, 100NE2, ठीक है। और ये होगा आपका TCNL 100, ठीक है दोस्तों। तो मैं TCNL के जगह अभी भी इसको यूज़ करूँगा। हेलो फ्रेंड्स, तो इसको ट्रांजिस्टर को मैं लगा दिया, तो अभी वापस में देखूंगा इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो दोस्तों, इसमें नहीं आ रहा, सेम टू सेम प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस ट्रांजिस्टर को लगाने के बाद भी आपका सेम प्रॉब्लम है, तो मैं अब इसको यहाँ पर सप्लाई चेक करूँगा, ठीक है दोस्तों। आपको स्टेप बाय स्टेप मैं दिखा दे रहा हूँ, सप्लाई में पहले भी चेक कर सकता था, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। जो
ये सब ख़राब होने के बाद भी आपका ये प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं इसको सप्लाई चेक करूँगा, ठीक है दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, तो इसको आपको सिस्टम को निकल लेना है, पहले निकल के आपको पहले इसको सिस्टम को अच्छे से साफ कर लीजिए, और यहाँ पर भी आप सॉकेट को भी अच्छे से साफ कीजिए। आपका ब्रांच से इसको थोड़ा सा साफ कर दीजिए, उसके बाद में आप सिस्टम यूज़ करके देखिए। अब इसको मैं सप्लाई भी दिखाऊंगा आपको कितना बल्ब आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अभी सप्लाई मैं इसको पहले साफ कर लेता हूँ। और आप इस आईसी को भी अच्छे से साफ करके लगाइए कि आप देख लीजिए कोई टांग पे तो आपका कार्बन हुआ है वो नहीं है, तो मेरे इसमें कार्बन नहीं है फिलहाल। तो आप लोग आईसी का टांग चेक कर लीजिए कार्बन, ठीक है। तो मैं इसका सप्लाई चेक करके दिखाता हूँ आप लोगों को पहले एक बार। हेलो फ्रेंड्स, तो इसके मैंने आईसी निकाल दिया। अभी इसका मल्टीमीटर में मैं आप लोगों को सप्लाई दिखाऊँगा इसका कितना वोल्ट आना चाहिए। यहाँ पर आपका देखिए दोस्तों, वन नंबर पिन में आना चाहिए, ये आपको दिखा रहा है 4.99, ठीक है। तो यहाँ पर सप्लाई सही है, और आपका यहाँ पर थ्री नंबर पिन में भी आपका दिखाएगा 3 पॉइंट कितना बोलिए देखिए दोस्तों। तो सप्लाई फिलहाल इसका सही है, ठीक है दोस्तों। तो हम आईसी को ये अच्छे से साफ करके वापस लगाता हूँ, नहीं तो दूसरा आईसी हम इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है दोस्तों। पहले हम उसी आईसी को लगा के देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं उसी आईसी को वापस दोबारा लगाऊंगा साफ करके। तो मैंने इसको साफ कर लिया, और मैं इसको फ़िलहाल ये देखिए ऊपर के हिस्सा ऊपर की तरफ लगाइए, उल्टा उल्टा मत लगाइए तो ये ख़राब हो जाएगा। और इसको नीचे की तौर चाप दीजिए तो इसको बैठ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको पावर दे के देखता हूँ ये क्या हो रहा है। ये देखिए फिलहाल बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसका आईसी का मतलब नीचे के टांग की तरफ कार्बन हुआ था, तो इसी के कारण वो ऑन नहीं हुआ था। अभी देखिए ये बिल्कुल ऑफ ऑन हो गया, तो इसमें कोई अभी आवाज़ नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्तों। वो ट्रांजिस्टर भी ख़राब नहीं था, तो मैं ट्रांजिस्टर इसको उसी को ट्रांजिस्टर लगा दूँगा, और जो TCL ट्रांजिस्टर खोला था उसको मैं पंखे की जगह यूज़ कर लूँगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसको वापस फिटिंग करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, तो इसको देख सकते हैं मैंने इसको पूरा फिट कर लिया हूँ। अभी इसको बैकअप देके देखता हूँ। ये है आपका 100 वाट बल्ब मैंने इस पर यूज़ करने में जा रहा हूँ। अभी इसको बैकअप ये देख सकते हैं, इसका आउटपुट ऑलरेडी निकलने लग गया। तो इस आईसी की वजह से ही आपका प्रॉब्लम आ रहा था, जो नीचे की तरफ अच्छे से बैठ नहीं रहा था, कार्बन हो गया था, ठीक है दोस्तों। तो अभी और एक भी मैं वीडियो बनाऊंगा ये आईसी मार्केट वाला आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो इसमें से आपको ये कंपोनेंट रेजिस्टेंस खोलना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो वो भी मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। अभी इसका मेरा बैटरी थोड़ा सा लो हो गया था, तो लो बैटरी दिखाने लग गया था, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं इसको अभी ओके है, अभी इसका चार्जिंग भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। मैं इसका इनपुट दे दिया, ये देखिए इसका अभी चार्जिंग लुक्स आने लग गया था। पहले मैं सीरीज में दिया था, अभी मैं इसको वापस मेंस में दे दिया डायरेक्ट। ये देखिए आने लग गया।